स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए. मोरारजी देसाई और वीपी सिंह, बी. चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, सी. राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, डी. जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। आंसर बी. चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। एक्सप्लेनेशन। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे? ए. महाराष्ट्र, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। आंसर सी. उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। पूर्व गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च 2024 की रात को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत से विवाद खड़ा हो गया है और बेईमानी के आरोप लगे हैं। अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रहे। अगला प्रश्न। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था? ए. अरब सागर, बी. दक्षिण चीन सागर, सी. बंगाल की खाड़ी, डी. हिंद महासागर। आंसर ए. अरब सागर। एक्सप्लेनेशन। 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 12 घंटे का सफल ऑपरेशन चलाकर हाईजैक किए गए ईरानी पकड़ने वाले जहाज अलकंबर 786 और उसके 23 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को सुरक्षित सोमाली समुद्री डाकुओं से बचा लिया। अगला प्रश्न। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? ए. स्टीव स्मिथ, बी. हैरी ब्रुक, सी. अभिषेक शर्मा, डी. केशव महाराज। आंसर डी. केशव महाराज। एक्सप्लेनेशन। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के केआर ने भी चोटिल मुजीब उर रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान के युवा ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल किया है। अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए. जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह, बी. जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, सी. जस्टिस अनूप कुमार सिन्हा, डी. जस्टिस रमेश मिश्रा। आंसर बी. जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। एक्सप्लेनेशन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गई है।